हेलो एवरीवन, आपके सामने है फ्री डीटीएच का रिसीवर। ये रिसीवर जो है बिल्कुल ही डेड है, तो सबसे पहले हम इसका जो मेन एसी प्लग है इसे मेन एसी में लगाएंगे। ये हमने लगा दिया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी जो लाइट है वो नहीं जल रही है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू जो है वो निकालेंगे, फिर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक ये जो स्क्रू हैं ये खोल लें, जो मेन इसी प्लग है उसे निकाल के खोल लें, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। तो हमने इसके सभी जो इसके स्क्रू हैं वो बाहर निकाल लिए हैं, तो उसका ये जो कवर है खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जो एसी पावर है वो यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ एसी पावर जो है आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं आपको इसके एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो हम मल्टीमीटर लेंगे, तो उसे हम एसी वोल्टेज में रखेंगे। ये जो हमारा मल्टीमीटर है, तो मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसके एसी वोल्टेज हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए, ये जो डिस्प्ले है यानी कि लाइट जो है नहीं आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए, ये जो सामने है रेगुलेटर आईसी वगैरह है वो यहाँ जल चुके हैं, ये साथ में एक रेजिस्टेंस वगैरह भी है, ये भी जल चुकी है। तो ये मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसकी जगह पे नई सप्लाई डाल देंगे। तो ये रही हमारे पास नई SMPS सप्लाई। तो हम यहाँ इसके बाहर निकाल के इसकी जगह पे ये डालेंगे। तो इस सप्लाई को हम बाहर निकाल लेंगे, ये जो पुरानी सप्लाई है। आप ये जो सप्लाई है निकालने से पहले, ये जो मेन इसका कैपेसिटर है, फिल्टर है, इसे डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि इसमें करंट हो सकता है, आपको शॉक लग सकता है, ऐसा करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो ये जो वायरें हैं स्पीकर की, यानी कि ये जो साउंड आईसी है इसको दी गई है 12 वोल्ट की सप्लाई। ये जो सर्किट है साउंड का, तो उसे हम इन वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये रही इसकी माइनस और ये रही इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। तो फिर ये जो उसकी मेन सप्लाई है हम वैसे ही लगा देंगे। तो हम ये जो साउंड का जो सर्किट है उसकी वायर लगा देंगे। ये रही पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्टेज की, और ये रही इसकी ग्राउंड। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं ग्राउंड में, तो मैं इसे साथ में लगा देता हूँ ग्राउंड में, ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये हो गई ग्राउंड, और जो इसकी मेन एसी सप्लाई है वो लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स, एक वायर हम यहाँ लगा देंगे, ध्यान से लगाएं, और दूसरी जो उसकी वायर है इसे हम साथ में ही लगा देंगे, जो यहाँ नीचे पड़ी है।
ये वायर हम लगा देंगे यहाँ। और ये जो यहाँ फ्रेंड्स एरो बने हैं, और इस तरह से हम यहाँ लगा देंगे। ये जो मैंने इसका कार्ड होता है अच्छी तरह से लगाएं, और इसे हम यहाँ फिट कर देंगे। ये जो क्लंप बने हैं, ये जो क्लिप है, इसे हम लगा देंगे। ये जो सप्लाई है इसमें सेट हो गई है। तो हम अब पावर ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स हम करते हैं प्लग इन, अब करेंगे हम पावर ऑन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेट टॉप बॉक्स है ऑन हो चुका है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी डिस्प्ले जो है आ चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये जो इसकी मेन SMPS है चेंज की। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।